morning all of you. Dear students, today we are going to start new chapter, metals and non-metals. Okay, so dear students, you have learned in your earlier classes that the substances are of two kinds, pure substances and mixtures. Okay, do tarah ki cheeze hoti hain, pure substances and mixtures. Okay, so pure substances contains only one type of component. Okay, so this pure substances are also called as elements. ठीक है, so इस तरह से अगर हम देखें तो आपका दो चीजें हो गई, element हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि mixtures. ठीक है, mixtures क्या होते हैं? Mixtures are of mixtures are the substances that made up of different components. ठीक है, substances that are made up of only one type of components. So this type of substances are also called as element. ठीक है, ऐसे substances जिसमें सिर्फ एक ही तरह का component होता है उसको बोलते हैं element. And these element are of two types, metals and non-metals. Okay, clear? So metals and non-metals क्या होती हैं? They are pure elements or pure substances. Okay, clear? Now let's talk about the different metals and the properties of different metals and non-metals. Okay, तो सबसे पहली चीज की metals and non-metals होते क्या है, how can you define? So metals जो होती हैं, metals जैसे कि आपके wire हैं, ठीक है, electric wire, copper, aluminium, your utensils, घर में जो utensils use किए जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि घर में जितनी सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपके कहीं कहीं जो है आपके मेटल के वो होते हैं, अलमीरा हो गया, बॉक्स होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर हार्ड. ठीक है, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस. आयरन, ठीक है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग यानी सॉलिड है. सबसे पहली चीज तो मेटल्स सॉलिड होते हैं. ठीक है, मेटल्स क्या होंगे? ऑलवेज सॉलिड होंगे एंड प्लस वो हार्ड होते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे दबाने से दबेंगे नहीं, ठीक है, और ना ही वो आपके टूटेंगे ईजिली. ओके, क्लियर? सो एग्जाम्पल्स में मेटल में क्या क्या हो जाएंगे आपका? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक. जिंक नहीं, कॉपर हो गया आपका, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दिस ऑल आर मेटल्स. वैसे ही नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आपके सॉलिड नहीं हो सकते. ठीक है, एक्सेप्शन हो सकते हैं उसके एक दो, बट मोस्ट नहीं होंगे. ठीक है, सॉलिड से सॉफ्ट होंगे प्लस लिक्विड्स एंड कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स में आपके हो जाएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, वाटर. क्लियर? एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के होते हैं. ठीक है, क्लियर है? यानी कि ना ही वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, सो कुछ सब्सटेंस जैसे कि सिलिकॉन है, बोरॉन, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है ये आपके वो होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, तो दे आर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स. ठीक है, उनको मेटेलॉइड्स बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर दोनों की क्वालिटीज, दोनों चीजें अलग अलग है. मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. ठीक है, एंड दोनों की प्रॉपर्टीज जिस चीज में, जिस सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स. सो एग्जांपल में आपने ऊपर देखा, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन. क्लियर? नाउ अब हम देख लेते हैं कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये हमारे नेचर में कहाँ होते हैं? तो सबसे पहले चीज की जो मेटल्स होते हैं वो हमारे नेचर में एज इट इज नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये नहीं कि अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो अल्मीनियम जो है ऐसे कहीं हमारे नेचर में रखा होगा हम उसको उठा लेंगे. नो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट एंड इनकी अकर इन नेचर इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, अभी वो प्योर जो है वो बाद में हो गए हैं, पहले वो मिक्सचर्स के फॉर्म में थे. ठीक है, सो हमें क्या करना है, प्योर सब्सटेंस यानी कि जो एलिमेंट और मेटल है उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस मिक्सचर्स को हमें मिक्सचर्स में से उसको सेपरेट करना पड़ता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें जो मोस्टली चीजें क्या होती है हमारे नेचर में वो मिक्सचर्स होती हैं, प्योर बहुत कम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी मिक्सचर्स हैं, बाद में हम उनको सेपरेट करके प्योर फॉर्म में कर सकते हैं. ओके, सो जितने सारे आपके वो होते हैं
सबस्टेंसेज होंगे यानी कि जितने सारे मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड एंड कंबाइंड स्टेट विद मिक्स विद इम्प्योरिटीज. दी इम्प्योरिटीज हो गई या दूसरे कुछ केमिकल्स उसमें ऐड हैं, दूसरे सबस्टेंसेज ऐड होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है, सो मिनरल्स क्या होते हैं, वो ज्यादातर आपके मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ओके नाउ, और द मिनरल्स फ्रॉम विच, और जिस मिनरल्स से हम उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर. ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम उस मेटल को अच्छे तरीके से और ज्यादा अमाउंट में हम उसमें से उस मेटल को निकाल सकें, इस तरह की मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ओर. ठीक है, क्लियर है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे मिनरल्स होंगे, किसी किसी मिनरल्स में वो मेटल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा. ठीक है, और उसमें से हम जो है आपके इजीली निकाल सकते हैं उस मेटल को. किसी किसी मिनरल्स में क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा. तो इस तरह से क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, ज्यादातर उस मिनरल से हम मेटल को निकालते हैं जिसमें उसका अमाउंट ज्यादा हो. ठीक है, और हम प्रॉफिटेबली उसको निकाल सकें. ओके, सो यू कैन सी इन द टेबल कि हमारे मिक्सचर में जो है आपके बहुत ज्यादा मेटल्स ऐसे होते हैं जिन मेटल्स हैं और ओर्स है. ठीक है, तो किस मेटल्स को हम उसके ओर से निकाल सकते हैं, उसका नाम भी रखा गया. ठीक है, सो यू कैन सी कि अल्यूमिनियम. ठीक है, अल्यूमिनियम को निकालने के लिए उसके मेटल्स क्या क्या है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड डायस्पोर. ठीक है, ये क्या है आपके अल्यूमिनियम के ओर्स हैं. ठीक है, दूसरा है आपका कॉपर. कॉपर के ओर हैं चाल्कोपाइराइट, कॉपर ग्लांस, कुप्राइट एंड मेलाकाइट. आयरन हेमाटाइट से निकाला जाता है, मैग्नेटाइट से और आयरन पाइराइट से निकाला जाता है. ठीक है, लेड, लेड है आपका वो लिथार्ज, गैलेना एंड एंड एंगलसाइट एंड सेरुसाइट से निकाला जाता है. मैग्नीशियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेसाइट, इप्सम एंड सॉल्ट. इप्सम सॉल्ट सॉरी एक नहीं है. जिंक जो है आपका जिंसाइट, जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, तो ये मेटल्स होते हैं आपके इस वाले ओर से निकाले जाते हैं, और ये सारे ओर्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं. ठीक है, क्लियर है ना. वैसे ही आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स भी आपके मोस्टली मिक्सचर्स में ही होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है तो वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन हो गया, जितनी गैसेज होती वो सारी नॉन मेटल है. ठीक है, बहुत कम ऐसी गैसेज होती हैं जो आपके प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो. ठीक है, यानी कि वो भी आपके दूसरे कंपोनेंट से मिक्स होती हैं और मिक्सचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय लिक्विफैक्शन ऑफ एयर. ठीक है, एयर का लिक्विफैक्शन करके ऑक्सीजन को निकालते हैं. ठीक है, वैसे ही सल्फर जो होता है इज माइंड इन इट्स फ्री स्टेट और सल्फाइड ओर्स. ठीक है, या तो सल्फर फ्री स्टेट में हम माइंड से निकाल सकते हैं या फिर उसके ओर से भी निकाला जाता है. ठीक है, आज का उसमें क्लोरीन गैस को जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कॉमन सॉल्ट से निकाला जाता है. ओके, तो वैसे ही आपका हीलियम जो बहुत सी ऐसी गैसेज होती हैं जो आपकी फ्री स्टेट में हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी हीलियम हमारे नेचर में प्रेजेंट है. ठीक है, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब एक्सेट्रा नियॉन में बहुत कम ही होती है जो हमारे नेचर में इस तरह से प्रेजेंट होंगी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, हम एक साथ लेके पढ़ेंगे. पहले तो ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बाहर से देख के हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे और उनमें डिफरेंस कैसे कर पाएंगे. ओके, सो पहली प्रॉपर्टीज है आपकी, फर्स्ट इज शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है आपकी शाइनी अपीयरेंस, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सोनोरिटी. ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड फिजिकल स्टेट. ओके, सो पहले हम देख लेते हैं आपकी हार्डनेस. ओके, सो यू नो कि मिनरल्स वैसे जिस तरह से हमारे सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके सॉफ्ट होते हैं, ये तो क्लियर है. नाउ फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल स्टेट में आपकी जो भी सबस्टेंस होते हैं नेचर में वो थ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं.
ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सो मेटल्स जितने सारे होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है. एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉलिड भी होंगे ठीक है, बट वो सॉफ्ट होते हैं, याद रखना है. सॉलिड और गैस, ठीक है, दो स्टेट में होंगे, सॉलिड एंड गैस के फॉर्म में होंगे. और जितने सारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड एंड हार्ड होंगे, ओके. बट एक आपका मेटल ऐसा है जो कि आपके लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज मर्करी. सो मर्करी इज एन एक्सेप्शन ऑफ यू नो की सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है. वैसे ही आपका ब्रोमीन जो होता है वो भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर. ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल या तो आपके सॉलिड होंगे या गैस के फॉर्म में होंगे, बट ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके, क्लियर है ना. नेक्स्ट है आपका, हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज शाइनी अपीयरेंस, ठीक है. उसके बाद शाइनी अपीयरेंस, तो आपने देखा होगा कि जितने सारे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके शाइनी अपीयरेंस, यानी कि ये चमकते रहते हैं. मेटल्स है शाइनी अपीयरेंस, वैसे ही स्टील के जो एलिमेंट्स होते हैं या आपके एल्यूमिनियम है, कॉपर है, वो भी शाइन करते हैं. तो शाइनी अपीयरेंस होता है वो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है. वेयर एज नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि आपके प्लास्टिक्स हो गए हैं या फिर वुड है, ठीक है, या फिर कोई दूसरे नॉन मेटल्स हैं, वो आपके शाइन नहीं करते, वो डल नेचर के, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसके अंदर से शाइन, वो चमकते नहीं है, वो डल होते हैं, ठीक है. सो नॉन लस्टरस, जिसमें चमक होती, जो शाइनी होती है, उनको लस्टरस बोलते हैं. लस्टरस सबस्टेंसेज एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, यानी कि दे आर डल अपीयरेंस, ठीक है, दिखने में डल होंगे. हाउएवर डायमंड एंड ग्रेफाइट जो होते हैं वो लस्टरस नॉन मेटल्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है. सो जैसे कि आपके उसमें एक्सेप्शन होते हैं, हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट में, वैसे ही आपके इसमें भी एक्सेप्शन है कि डायमंड जो है आपका नॉन मेटल है, सबसे हार्डेस्ट मेटल नॉन मेटल है इस अर्थ पे, ठीक है. हार्ड होता है, नॉन मेटल होने के बाद भी ये हार्ड होता है, साथ ही साथ इसके इसमें शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है. तो ये एक एक्सेप्शन है डायमंड की, उसमें शाइनी अपीयरेंस होता है. आयोडीन है, वो भी चमकता है, ठीक है. दूसरी चीज की ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन का बना होता है, वो भी आपका शाइनी अपीयरेंस देता है, क्लियर ना. नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. व्हाट इज डक्टिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है. सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, बेसिकली मेटल्स, इन विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है. तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम उनको जो है बहुत ही फाइन, बहुत ही पतले वायर से हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. वैसे ही आपके जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स में आपके जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है. सो नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स हैव नो डक्टिलिटी, ठीक है. डक्टिलिटी में मेटल्स के एग्जांपल जैसे कि आपके जितने सारे वायर्स होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, तो ये उनके नेचर की वजह से है कि उनको हम वायर में चेंज कर सकते हैं. वैसे ही आपके जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, यानी कि जो आपके हम लोग जैसे कि फीमेल्स पहनती हैं, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, तो क्या होते हैं वो आपके डिफरेंट डिजाइंस के बने होते हैं, ठीक है. तो वो कैसे होते हैं, वो उसकी डक्टिलिटी से होते हैं कि उसमें थिन वायर्स बना बना के जो है उसको डिजाइंस बनाते हैं. तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड की होती है, ठीक है. गोल्ड का एक ग्राम जो होता है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ 2 किलोमीटर्स लेंथ, ठीक है. 1 ग्राम से क्या करते हैं, 1 ग्राम आप सोच लो कितना है, थोड़ा सा जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर ऑफ थिन वायर्स, ठीक है, क्लियर है. तो इतनी उसकी डक्टिलिटी होती है ना. नेक्स्ट है आपका मैलेबिलिटी. व्हाट इज मैलेबिलिटी, ठीक है. सो मैलेबिलिटी जो होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन, वेरी थिन शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है. यानी कि बिना तोड़े हुए, बिना उसको डैमेज किए हुए हम मेटल्स को बहुत ही थिन, ठीक है, शीट्स में, ठीक है, चेंज कर सकते हैं. ये दिस इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मैलेबिलिटी, ठीक है. अगेन मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल इज हैमर्ड और बीटन
into very thin sheets without you know की breaking it or without damaging it. ठीक है, बिना उसको तोड़े हुए, बिना उसको damage किए हुए हम पतली sheets में change कर सकते हैं. ठीक है, इसी property की वजह से क्या है कि आपके aluminium के जो होते हैं वो box बनाए जाते हैं, अलमीरा बनाए जाते हैं. ठीक है, आयरन है, आयरन के जो है आपके डोर्स बनाए जाते हैं, उनकी शीट्स बना बना के. ओके, सो बट नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सोनोरिटी. ओके, नेक्स्ट इज सोनोरिटी. व्हाट इज सोनोरिटी? ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट प्रोड्यूसिंग साउंड. ओके, प्रोड्यूसिंग साउंड और यस, सो बेसिकली आपके जो जैसे कि आप सपोज कि आप जो है आपने एक जो स्टील की प्लेट है वो उठाया और सडनली वो प्लेट आपके हाथ से जो है वो छूट गई, गिर गई नीचे, तो क्या होगा? टन टन बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो उसकी आवाज़ चलती रहेगी. बिकॉज जो सॉलिड्स जो नॉन मेटल्स जो मेटल्स होते हैं सॉरी जो मेटल्स होते हैं वो आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वैसे ही आप जो है किसी प्लेट को लेके ऐसे ऐसे आप जो है पीटोगे तो उससे क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो सोनोरिटी से क्या होता है कि मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक दैट दे आर सोनोरस. ठीक है, एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड. ठीक है, मतलब रिंगिंग साउंड नहीं बनाते. हाँ, धप धप को तो साउंड तो हो गए लेकिन एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई इन आवर स्कूल, ठीक है, जो स्कूल बेल होती है वो मेटल की बनी होती है, टन टन साउंड प्रोड्यूस होता है. सो वो साउंड जो है आपके उस मेटल की प्रॉपर्टी से हो रहा है कि उसके अंदर जो होते हैं आपके रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं. बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव रिंगिंग साउंड, दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ठीक है, आप एक जो है उसको वुडन ब्लॉक को पीट रहे हो या डेस्क को पीट रहे हो, कोई उतना ज़्यादा साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. क्लियर? इसीलिए जो आपके ड्रम्स वगैरह होते हैं, जो जो आपके सिंगर्स होते हैं या फिर जो कंपोजर होते हैं, म्यूजिक कंपोजर, वो जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं आपके ड्रम जो होते हैं वो सारे स्टील के बने होते हैं या फिर मेटल्स के बने होते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, सो कंडक्टिविटी जो होती है बेसिकली कंडक्टिविटी की बात करें तो दो तरह की कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके जो मीटर्स होते हैं, मीटर्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हीट. ठीक है, दोनों के, क्योंकि मीटर्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कंडक्ट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं, उसकी वजह से वो आपके कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इसीलिए जितने वायर्स वगैरह होते हैं वो आपके नॉन मीटर्स के नहीं बनाए जाते हैं, वो मीटर्स के बनाए जाते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपके नॉन मेटल्स के नहीं बनाए जाएंगे. जितने सारे मेटल्स होते हैं सिल्वर गोल्ड सब के सब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट वी जनरली मेक वायर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी प्रेशियस. इनके अगर हम वायर्स बनाएं तो वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे. ठीक है, तो वो कॉपर एंड सिल्वर थोड़ा सा चीप होते हैं, तो वो हमारे डेली लाइफ में उनके वायर्स बना के हम इलेक्ट्रिसिटी को रन करवाते हैं. ओके, वेयर एज जो आपके नॉन मेटल्स हैं दे आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. अगर हम आपके जो है जो सॉकेट होता है प्लग का जो सॉकेट है उसके अंदर अगर हम उसको धागा लगा दें, ठीक है, एक थ्रेड डाल दें या फिर उसमें हम कोई लकड़ी लगा दें, ठीक है, कोई प्लास्टिक से कोई चीज़ लगा दें, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. ठीक है, सो दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हेयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो. ठीक है, एक नॉन मेटल है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज ग्रेफाइट. ठीक है, सो ग्रेफाइट जो होता है वो एक नॉन मेटल है बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कैसे? कि जो आपके इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेल होते हैं जो आपके टॉर्च में लगाए जाते हैं या आपके जो वॉल क्लॉक है वहां लगा रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, बीच में ग्रेफाइट का रॉड होता है, वो ग्रेफाइट से क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. क्लियर? नाउ अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर ए बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, सो
बैड कंडक्टर्स होते हैं, साथ में साथ आपके इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो जिसकी जो प्रॉपर्टीज है उनका अपना अलग अलग जो है वो यूज होता है। जैसे आपने पढ़ा, आपने लास्ट क्लास में या क्लास सेवन में पढ़ा होगा कि जो आपके नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो बैड कंडक्टर के साथ साथ हम इनको इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हमारे अगर हीट को कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके लाइफ में, डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे कि यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके मेटल्स के बनाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से हीट को कंडक्ट कर सके, ठीक है। गर्म होगा जल्दी, जल्दी उसमें खाना पकेगा। अगर आपको किसी को होल्ड करना हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, इंसुलेटर लगाना पड़ता है। सेम लाइफ में अगर जो वायर्स होते हैं तो वायर्स में क्या हो रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब रन करती है वायर में तो साथ साथ उसमें आपकी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, डायरेक्ट टच करेंगे तो गर्म होगा ही, प्लस उसके साथ उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी आपको, यानी कि आपको करंट लग सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर बेसिकली आपके नॉन मेटल्स के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक है, टूथ है, थ्रेड है, ठीक है। जैसे कि आपने आयरन में देखा होगा बेसिकली, तो आयरन में क्या होते हैं कि वो मोटे वाले धागा जो है उसको कवर कर दिया जाता है ताकि वो सेफ रहे, तो हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं। क्लियर ना? सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर द इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है, हीट से बचाते हैं। क्लियर ना? ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस क्या है, सबस्टेंस इज सेड टू बी ब्रिटल इफ इट ब्रेक्स इजीली, ठीक है। तो अगर कोई चीज बहुत जल्दी टूट जा रही है तो वो ब्रिटल है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं आर नॉट ब्रिटल, जनरली मेटल्स हार्ड एंड आपके सॉलिड होंगे तो ब्रिटल नहीं होते हैं, ठीक है, टूटते ही नहीं है, ब्रेक नहीं करते। वहीं पे आपके जो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल्स एंड नॉन मेटल्स ब्रेक इन टू पीसेज ऑन हैमरिंग, ठीक है, क्लियर है।